दूसरी ओर चुनावी रिजल्ट आने के बाद से उत्तराखंड में होली कार्यक्रम की धूम देखने को मिल रही है। कुमाऊं में बैठकी और खड़ी होली की काफी मान्यता है। उत्तराखंड में चुनावी परिणाम आने के बाद से होली महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। होली के रंग में इन दिनों पूरा कुमाऊं डूबा हुआ है। जगह जगह होली के आयोजन हो रहे हैं, कहीं फूलों की होली खेली जा रही है तो कहीं अबीर गुलाल से रंगों के त्योहार होली को मनाया जा रहा है। कुमाऊं की बैठकी और खड़ी होली लोगों को नाचने झूमने के लिए उत्साहित कर रही है। रुद्रपुर में अलग अलग स्थानों पर होली के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें पहाड़ी संस्कृति और परंपरा झलक रही है। रुद्रपुर में नवनिर्वाचित विधायक शिव अरोड़ा ने भी जीत की खुशी को लेकर अपनी पहली होली में शिरकत की। इस दौरान होलियारियों ने कई पहाड़ी होली के गीतों की प्रस्तुति देते हुए झोड़ा भी लगाया। विधायक और होलियार दोनों ही होली की धुन में थिरकते नजर आए। सांस्कृतिक समिति सेल परिषद द्वारा, महिला कमेटी द्वारा होली का आयोजन किया जा रहा है। 1 बजे से हम लोग यहाँ बैठ के होली कर रहे हैं, नाच गाने कर रहे हैं, झोड़ा हो रहा है और तरह तरह के आवास विकास, जगतपुरा, बालाजीपुरम, कौशल्या, हर कॉलोनी से यहाँ पे महिला की होलियार टीम आई हुई है। तो होली का कंपटीशन चल रहा है, एक से एक अच्छी अच्छी होलियाँ महिलाओं के द्वारा, टीम द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। बहुत आनंद के साथ होली मनाई जा रही है। हर साल कुमाऊं में बैठकी और खड़ी होली धूमधाम से मनाई जाती है, जो पहाड़ी समाज की परंपरा और संस्कृति को बखूबी उजागर करता है। रुद्रपुर से कुमाऊं प्रभारी संदीप कुमार की रिपोर्ट।